हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे टू नो ओवर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और नंबर्स में हम आज उसके कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में आज हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, तो इट मीन्स के नीचे लिखा हुआ 3 × 5। तो इस बॉक्स की हेल्प से हमें 3 × 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 3 रो हैं एंड 5 कॉलम हैं, तो हमें इन्हें फिल करना है। फिर उसके बाद उन्हें हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने बॉक्स आ रहे हैं। तो हम इन्हें फिल करेंगे 3, 5, 10, 15। तो हमारे पास टोटल कितने सेल बन गए इसमें, हमारे पास 50। सेम इसी तरह हमारे पास 5 रो दिए हुए में एंड 3 कॉलम दिए गए हैं, इनको हम फिल करेंगे 3, 3, 3, 3, 3। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 50। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि आप 3 × 5 करो या फिर 5 × 3 करो, आपके पास जो वैल्यू आती है वो सेम ही आती है। आगे हम देखते हैं 3 × 5, हम 3 × को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 + 5, मतलब 5 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50। 5 × 3, इसमें हम क्या करें, 3 को हम 5 टाइम लिख रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 50। तो आप इन दोनों में से किसी भी वे से आप करोगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम आता है। व्हाट इज़ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के इसने रिपीट नाम दिए गए कि हम मल्टीप्लीकेशन को किस किस नाम से पुकारते हैं। रिपीटेड एडिशन, प्रोडक्ट, बाय, टाइम्स, मल्टीप्लाई, ये इसके हम बिन अलग अलग नाम से हम इनको बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन का ये इसने साइन दिया हुआ है कि इसको हम क्रॉस साइन से दिखाते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मल्टीप्लीकेशन, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या मल्टीप्लीकेशन में होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0 देन द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, मतलब रिजल्ट आता है, वो हमेशा 0 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नंबर ही आता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को। नेक्स्ट हमारे पास 2 × a number by 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, वी पुट सेम नंबर ऑफ 0 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर। अगर हम किसी नंबर को 10,000 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड में हम उतनी जीरो लगा देते हैं जितनी कि 10,000 में होती हैं। तो जैसे कि इसने एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे 23 × 10, इसमें हमारे पास कितनी जीरो 10 में, 1, तो इसके पीछे हमने 1 जीरो लगा दी। 456 × 100, इसमें 2 जीरो, तो इसके पीछे 2 जीरो लगा दी। इसमें 3 जीरो, तो इसके पीछे 3 जीरो लग गई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जब भी हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं हम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 123 × 321। तो इसमें हम पहले 123 लिखा, नीचे हमने 321 लिखा, हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया जो मल्टीप्लाई का निशान होता है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 1 को हम 123 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 123 आएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो 123 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसके राइट हैंड साइड में क्या एक डिजिट थी, तो इसके लिए यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। 2 × 3 = 6, पहले 2 किस से, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम 3 से करेंगे, 3 से करने के लिए इसके पीछे कितनी डिजिट थी, 2, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दी। 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। अब इन सबको हम लिख के इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 31483। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ ए मैन इज 2625, व्हाट इज़ द हिज एनुअल इनकम। हमें मंथली सैलरी दी हुई है, हमें एनुअल इनकम निकालनी है। तो मंथली सैलरी इज़ इक्वल टू 2625, टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर 12, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2625 × 12, पहले हम 2 से करेंगे, 2 × 5 = 10, कैरी 1,
टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, वन कैरी, टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, वन से करेंगे। वन से करने के लिए इसके पीछे कितनी डिजिट थी, वन, तो इसलिए यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी। वन को टू सिक्स टू फाइव से करेंगे तो हमारे पास सेम ही नंबर आएगा, तो टू सिक्स टू फाइव। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, जीरो जीरो टू फाइव प्लस फाइव टेन, टू प्लस टू फोर प्लस फाइव, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, टू प्लस वन थ्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं ब्रेन टीजर, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 562 मल्टीप्लाई जीरो, तो हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8741 मल्टीप्लाई बाई वन, किसी भी नंबर को वन से करते हो तो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है, तो 8741 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 546 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 में कितनी जीरो, टू, तो इसके पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, 456 दो जीरो और लग जाएंगी इसके पीछे। अब इसमें हमें कितना है, 541 को 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 में तीन जीरो हैं तो 541 के पीछे हम तीन जीरो लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4851 मल्टीप्लाई बाई 254, 4851 मल्टीप्लाई बाई 254, इसको हम क्रॉस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फोर से करेंगे, फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, टू कैरी, फोर एट ज़ा थर्टी टू प्लस टू थर्टी फोर, तीन कैरी आ गई हमारे पास। ठीक है, और फोर फोर ज़ा सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन। अब हम टू वन ज़ा टू, नहीं, इसके बाद हम फाइव से करेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, टू कैरी, फाइव एट ज़ा फोर्टी प्लस टू फोर्टी टू, फोर कैरी आ गई अब हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास फोर कैरी आएगी, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। अब टू से मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पीछे कितनी डिजिट है, दो डिजिट हैं, तो हम इसके पीछे कितने लगा देंगे, दो जीरो लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं टू से मल्टीप्लाई, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, टू फाइव ज़ा टेन, एक कैरी, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन, टू फोर ज़ा एट प्लस वन, इसमें कैरी थे हमारे पास तो नाइन आ गया। अब हम सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव फोर फाइव, सेवन प्लस फोर इलेवन, नाइन प्लस वन टेन, प्लस टू ट्वेल्व, फोर प्लस वन फाइव, प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए बॉक्स कंटेन 480 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट, ईच पैकेट हैज़ 12 बिस्कुट, हाउ मेनी टोटल बिस्कुट आर देयर इन वन बॉक्स। कि एक पैकेट में 480 बिस्कुट है और हर एक पैकेट में, एक बॉक्स है उसमें 480 पैकेट्स हैं बिस्कुट के और हर एक पैकेट में 12 बिस्कुट है, तो हमें टोटल बिस्कुट निकालने की कितने हैं उस बॉक्स के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 480 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 से करने के लिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से किया 0, 2 एट ज़ा 16, 1 कैरी, 2 फोर ज़ा 8 प्लस 1 9, जो हमारे पास कैरी थी वो हमने ऐड कर दी इसमें। अब इसके बाद हम 1 से करेंगे, 1 से करने पर क्या आता है, सेम ही नंबर आ जाता है, तो 0 6, अब इनको प्लस कर रहे हैं, 6 8 प्लस 9 17, 4 प्लस 1 5। तो ये आपको मैंने पूरी वर्कशीट कर दी आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।